नमस्कार। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 14। सत्वात् संज्ञायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 17। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। श्लोक क्रमांक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 18। सतोगुण से युक्त पुरुष ऊपरी अर्थात देवलोक में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति मध्यम मनुष्य लोक में ही रह जाता है और जो अत्यंत गर्हित तामसी गुणों में स्थित पुरुष नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। श्लोक क्रमांक 19। नान्यं गुणेभ्य कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 19। जब कोई यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक क्रमांक 20। गुणानेतानतीत्रेण देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापे इत्यादि दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है, अर्थात इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है।